मिस मैपकेवे, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। इतने साइलेंटली आप पीछे आ गए कि ये देखिए मेरी सेल्फी। तो क्या मुझे यहाँ आते ही चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम कोई बिजनेस कर रही हो। हाँ मैं लाइफ कोच हूँ, बस मैं यही काम करती हूँ, शायद आप जानती होंगी। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम्हें मुझे एक सलूशन देना होगा। एक्चुअली मैं सिर्फ एडवाइस देती हूँ, सलूशन आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है, और लाइफ कोच का काम बस होता है एडवाइस देना। ओ क्या बात है आयहान, क्या बात है। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई बात है इसमें। अगर इतना ही अर्जेंट है तो हम दोनों मिलकर सलूशन ढूंढ सकते हैं। एक मिनट रुको, कहाँ जा रही हो तुम? रुको मेरी बात सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हमारी शॉप हमें वापस मिल गई है लेकिन उसमें सामान नहीं है, याद है मैंने सब कुछ फ्री में बांट दिया था। नए सामान खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए थे, है ना? मैं जानती हूँ सब कुछ, हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे होगा? मिस मैफकेवे, मेरे पास ढेर सारे आइडियाज है, आप मुझे नहीं जानती है। एक मिनट रुकिए, मैं कॉल लगाती हूँ। हेलो मुजफ्फर, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। मिस मैफकेवे, अब आप रिलैक्स हो जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। एक मिनट आई। हाँ वो तो ठीक है आयहान, पर तुम करने क्या जा रही हो ये तो बताओ। माय डियर आयहान, तुमने मेरी स्टाइल देखी? तुमने देखा जब मैंने उसकी आंखों में आंखें मिलाकर देखा तो वो किस तरह भाग गया? ये मुजफ्फर का स्टाइल है। हाँ मैं जानती हूँ तुम बहुत ही स्वीट वाले हीरो हो, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है। हमारा प्लान काम तो करेगा ना? अगर नहीं काम किया तो क्या होगा? हाँ मुजफ्फर, ये काम जरूर करेगा। आई होप सो।